हमको लगता है कि उस डॉक्टरनी का उस बॉक्सर के साथ कोई चक्कर मकर चल रहा है। वो तो हमको भी लग रहा है। वो होवेगा बदमाश कहीं का, लेकिन हमको भी अपना हक का बात करना और हक छीनना अच्छे से आता है। अरे गुस्सा नहीं करो, हम समझाएंगा, हम माफी तो मांग रहे हैं। तुम वो ही भोंकेगा जो तुम्हारा बोता भोंकता फिर रहा है हमारे खिलाफ। क्या बोल रहा है, कैसा बात करता है, हम तेरे से बड़ा हूं। अरे चाचा तू बड़ा है, तू किसी छोटा को देखना। समझा रहा हूँ तुमको, जो तुम्हारा मोहल्ले का दादागिरी है ना, एक दिन में खत्म कर दूंगा हम। हाँ, अगर तुम आइंदा नौशीन का रास्ता से गुजरा भी ना, तुम इस दुनिया से गुजर जाएगा क्या? अरे हमको धमकी दे रहे तू? दे रहा धमकी तुमको हम? हाँ भाई, अखबार वालों को खबर ना भी मिले ना तो वो खबर बनाकर छाप देते हैं। पापा आई अंडरस्टैंड, लेकिन हमारे कंपनी का इससे कोई अच्छा इंप्रेशन तो नहीं पड़ेगा। देखो हमें अच्छे इंप्रेशन के अखबार की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपसे हमको बहुत पसंद है। सच? आ तो अभी भी क्या कोई शक है? दिल को तो यकीन आना चाहिए ना। आ जाएगा, उसको भी यकीन आ जाएगा। अरे तू क्या सोच रहा है? इसका मतलब दादा नादे से वही बात कर रहा था, नादिर हंस रहा था। हंस रहा था? मेरे जाके वो नीचे गिरा है, अब एक बार जब गिरा है उठ नहीं पाया, समझ रहे ना तुम? अगली दफा से हमको बोलेगा नहीं वो मैच वैच का किसी भी चीज का, तेरा बात उसको पता है। बात बॉक्सर, अब तुझे डर लग रहा होगा। पीछे हट रहे, डरता मरता नहीं है, पर अब तेरे को डरना चाहिए। क्योंकि तेरा आखिरी वक्त आ गया है। अब कलमा पढ़ ले। नादिर भाई इसको रहने दो, इस बॉक्सर को हम देखता हूं। बीच में नहीं आने दे। रोड़े Ah!
आजा शाबू। अरे अभी कुछ दिन के लिए तुझको एक हाथ से चाय पीना पड़ेगा। अरे दादा ये उंगली तो क्या, अब तो तेरे लिए जान दे सकता है। अरे जान मांगो हमसे। अरे देख शाबू, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, अरे ऐसा लोगों को सबक सिखाने के लिए, समझा ना। अरे लाओ नहीं चाकू, किधर है चाकू? एक मिनट रुक। हेलो जी नादर भाई। ए चोरी दे हो रे। चोरी? अच्छा शाबू, शाबाश। क्या बात है शाबू। अरे शाबू तू शेर है। अरे दादा ये उंगली क्या, बोलिए हम जान देने के लिए तैयार है। अरे क्या बात है तुम्हारा शाबू। हेलो अरे देखो बेटा, हर शौक रखने वाला दुनिया में मशहूर नहीं हो जाता। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने खास सलाहियत दी होती है, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते। तो बाबा इन्हीं थोड़े से लोगों को ढूंढने के लिए तो हम ऑडिशंस कर रहे हैं। हम तुमको बताते हैं, तुमको शर्म नहीं आता दूसरे का माँ बहन बेटी को रास्ते में रोकते है? मुझे तो किसी की जरूरत है ना जो मेरा ख्याल रखे, ये कहाँ मेरा ख्याल रखेगी। आपकी बातें शायद अपनी जगह ठीक हो डैडी, पर मैं मामा की जगह किसी को नहीं दे सकती। जिस तरह तुम एक अच्छे बॉक्सर हो सकते हो, वो भी उस इलाके से, तो तुम्हारी तरह ना जाने कितने बॉक्सर हम अच्छे इस तरह बना सकते हैं। यही बात बोल रहा था कि सिर्फ अमी क्यों, हम जैसा इतना लड़का होएगा यहाँ। मैंने कहा ना ये घर सिर्फ सज्जाद का नहीं है, मेरा भी है, और मैंने फैसला कर लिया है ना। परवाह ना भी हो, लेकिन आप एक ही घर में रहते हैं और आपकी बेटी। मेरी बेटी को क्या एतराज होगा, अगर होता है तो होता रहे, हम कल निकाह कर रहे हैं, बस मैंने कह दिया। फिर भी अयास आप एक दफा उससे डिस्कस कर लें। डिस्कस? पिछले कई दिनों से इस घर का मौजू टॉपिक यही है, शादी। तो यकीनन उसको पता होगा। देखें किसी से सुनना एक अलग बात होती है, लेकिन जब आप उसे बताएंगे तो उसे अच्छा लगेगा कि उसके पापा ने उसे इतनी इम्पोर्टेंस दी। ठीक है ठीक है, चलो मैं बात कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। अरे लो रूच की बड़ी उम्र है, माशाल्लाह ये आ गई। अच्छा हम आपसे कल बात करते हैं, ठीक है? ओके डैडी, मैं सोने लगी हूँ, आपके लिए कुछ बना दूँ, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, मुझे कुछ बात करनी है, तुम मेरे पास बैठो। चल कुछ बातें ही हो जाएंगी, बैठो। देखो बेटा,
शादी के बाद तुम तो अपने घर चले जाओगी। मुझे तो किसी की जरूरत है ना जो मेरा ख्याल रखे, ये कहाँ मेरा ख्याल रखेगी। आपकी बातें शायद अपनी जगह ठीक हो डैडी, पर मैं मामा की जगह किसी को नहीं दे सकती। बेटा डैडी, मैंने आपको अपने दिल की बात बता दी है ना, आगे आपको जो बेहतर लगे। बाबा मैं सोच रही थी कि कल ऑडिशन करवा लो, लाइक अगर आप फ्री हो तो आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आप आ जाइएगा। कल नहीं बेटा, तुम अब क्लब के लिए लड़के सिलेक्ट कर लो, फिर मैं मिल लूंगा। बाबा वैसे कितना अच्छा आइडिया है ना कि आप किसी भी रेगुलर इंसान को उस तरह से किसी भी छोटे इलाके से आप ला के फिर उनको ट्रेन करें और उन्हें अच्छा बॉक्सर बना देंगे, कितना अच्छा आइडिया है। हाँ बेटा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अक्सर आइडियाज जो है ना वो आइडियाज ही रह जाते हैं। क्यों? देखो बेटा, हर शौक रखने वाला दुनिया में मशहूर नहीं हो जाता। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने खास सलाहियत दी होती है, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते। तो बाबा इन्हीं थोड़े से लोगों को ढूंढने के लिए तो हम ऑडिशंस कर रहे हैं। गैर मामूली लोग मामूल का ऑडिशन में मिल जाए ये तो खुशकिस्मत ही होगी। बाबा आई थिंक ट्राई करके पछताना बेहतर है बजाय इसके कि हम सोचते ही रह जाएं। तुम्हारी कोशिश पे तो कभी एतराज। अब आपको पता है आज मैं जो कुछ भी हूं ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूं। I'm so proud of you. Thank you, Baba. अब बस देखिए ऑडिशंस कैसे होंगे, I'm really excited. आता हूँ। हाँ हम तुमसे बाद में बात करेंगे, अभी घर में हूँ। हम तुमको बताते हैं? तुमको शर्म नहीं आता दूसरे का माँ बहन बेटी को रास्ते में रोकते? अरे कुछ आया करो, कुछ शर्म करो, तुम्हारा अपना घर में भी बहन मौजूद है। अरे तुमको आया नहीं आता, अपना शक्ल गुम कर दफा मरो इधर से। अरे अम्मा तुम हर वक्त लोगों की बातों में आ जाते हैं। अरे वो इल्जाम लगा रहे हम पे क्योंकि हम रोका था उसको शकीला का स्कूल जाने के वास्ते। वो तुम पर इल्जाम लगाता है जिसका तुम खुद बोला था। तुम उसको बस स्टॉप पर रोकेगा और वो तुमसे शादी बनाएगा। कितना अलका सोचता है तुम, अपनी हरकतों की तरह अलकट। तो तुम्हारे पास क्या लेने आया था, हमसे खुद बात करता ना। वो हमारे पास कुछ नहीं लेने आया था, हमको बताने आया था कि तुम जो उल्टा सीधा हरकतें कर रहा है अगर वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करे तो हम शिकायत नहीं करे। हाँ तो ठीक है अम्मा, जाके बोल दे उनको हमको इस तरह का धमकियां ना दिया कर। तुमको क्या लगता है हम डर जाएंगे उनसे? नहीं डर, तुम नहीं डरो, लेकिन एक बात याद रखो, हमसे कोई उम्मीद नहीं रखना। हम तुम्हारा मुंह तोड़ देगा, हमारा तो बस नहीं चलता कि तुम्हारा गला घोट देवे। हाँ पता हमको, हम देख लेगा उनको। हाँ पता है तुमको, अभी तुम कोई ऐसा हरकत कर कर आया तो फिर हम तुमको बताएगा। हाँ हेलो, किधर है तू? आ रहे हम। आ जाइए। सलाम अलैकुम मैडम। सलाम अलैकुम। आई एम सो सॉरी, मैं आपको बार बार कॉल करके बुला रही, प्लीज बैठिए। अरे कोई बात नहीं मैडम, हम आपसे मिलने में क्यों घबराएंगा, और वैसे भी फैसलों का इख्तियार तो इंसान का अपना हाथ में होता है। फैसल मैं दरअसल सोच रही थी कि
क्यों ना हम लोग क्लब के लिए ऑडिशंस करवा लें, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कैसे? देखो तुम एक बहुत अच्छे बॉक्सर हो, लेकिन तुम एक बहुत छोटे से इलाके से हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम एक छोटे से क्लब में अपने आप को जाया कर रहे हो। तो तुम्हें देख के मुझे ये ख्याल आया कि जिस तरह तुम एक अच्छे बॉक्सर हो सकते हो, वो भी उस इलाके से, तो तुम्हारी तरह ना जाने कितने बॉक्सर हम अच्छे इस तरह बना सकते हैं। अरे यही तो मैं आपको बोल रहा था उस दिन, यही बात बोल रहा था कि सिर्फ अमी क्यों, हम जैसा इतना लड़का होएगा यहाँ, अब उनको ढूंढो मिल जाएंगे। वो पूरे शहर में बहुत लड़का लोग है जो बॉक्सर बनने का ख्वाब देखता होएगा। तो क्या तुम किसी को जानते हो, तुम्हारी नजर में कोई ऐसे अच्छे लड़के हैं जो अच्छा खेलते हैं, जिन्हें हम अपने क्लब में अपने कोच से अगर ट्रेन करवाएंगे तो वो अच्छे बॉक्सर बन जाए? हम कुछ ऐसा लड़का लोग को जानता है मैडम, आप जहां बोलेंगे हम भेज देंगे इनको। रियली थैंक यू फैसल, थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू का क्या बात है मैडम, ये तो बहुत अच्छा बात है, नेकी का बात है कि आप ऐसा लड़का लोग को चांस दे रहे हैं जो आगे बढ़ना चाहता है। मैं वाकई इन्हें बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ, बहुत आगे, जहां तक कुछ लोग सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं वहां तक। ये बहुत अच्छा बात है, हमको बहुत खुशी हुआ आपका ऐसा सोच देखकर। अच्छा चाय पियोगे? चाय पियोगे? चाय ले आइए। तो थैंक यू। इधर फैसल कौन है? मैं फैसल। बैठा इसको गाड़ी में। एक बार हुआ क्या है? इसने शाबू पर चाकू से हमला किया। शाबू पर? और हम, अरे क्या हो गया है शाबू में, मतलब क्यों? अरे चाचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इस तरह तो वो कभी हमको कभी किसी और को फंसाता रहेगा। हाँ करेगा करेगा, पहले फैसल को तो छुड़ाएगा ना। लालू हमारा बात गौर से सुनो, हो सकता है पुलिस लोग तुमसे कुछ पूछे, उन्हें देखा था ना उस रात? हाँ। नहीं नहीं हमने कुछ नहीं देखा। अयाज मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे जल्दी है और मुझे ये भी मालूम है क्या बात करनी है। देखो अयाज, ये जो तुम्हारे अपने खूनी रिश्ते होते हैं ना, ये जानबूझ के तुम्हें आग में नहीं झोंकते, इसीलिए तो हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे आप आग कह रहे हैं वो मेरा फैसला है, और आपको अगर लग रहा है मैं आग में कूद रहा हूँ तो मुझे कूदने दें, वो मेरा फैसला है। और अगर लगे कि मैं जलने लगा हूँ तो आप है ना मेरे खूनी रिश्ते, मुझे बचा लीजिएगा। हो सकता है कि उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी हो। देर तो अब भी हो चुकी है क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूँ। अच्छा ऐसा करो, बैठो जरा, आओ बैठो। तुम अपना फैसला बदल दो। ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? तुम्हारे लिए सब कुछ मुमकिन है मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बार बार यही तो समझा रहा हूँ कि तुम दूसरी शादी की पोजीशन में नहीं हो, तुम्हारी जवान औलाद है, उसकी तुम पहले फिक्र करो, उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, ना कि अपने लिए। मुझे उरूज की फिक्र है, वो सब कुछ मैं करूँगा और करता चला आ रहा हूँ, जो एक बाप की जिम्मेदारी है। तुम्हें उसके लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर मैं भाई हूँ तुम्हारा। वो तो तुम शादी के बाद भी रहोगे। लेकिन क्या पता दूसरी बंदी आए वो हमें भाई ना रहने दे। पहले भी तो बंदी थी हमारे दरमियान। भाभी की बात कुछ और थी, ये जो दूसरी बंदी आती है ना किसी के घर में, तो उसने पहले से ही बहुत कुछ प्लान किया हुआ होता है। ये जो तुम बातें कर रहे हो ना, असल में तुम्हारी बीवी तुम्हारी कान भरती रहती है और वही बातें तुम करते हो। मैं सब समझता हूँ इस बात को। देखो यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरी जब इस घर में आएगी ना
तो हमें भी वही लगेगा जो तुम्हें इस वक्त लग रहा है। तुम्हारी जवान बेटी है, तुम्हें उसकी फिक्र करनी चाहिए, उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, ना कि तुम अपने लिए। इस तरह वो खुद को तन्हा महसूस करेगी और उसे माँ की भी बहुत याद आएगी। तुम उरूज की फिक्र ना करो, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। मैं बाप हूं उसका, मैं सब समझता हूँ, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो अयाज, मैं तुम्हें क्या, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो तुम। इधर फैसल कौन है? हमें फैसल बैठा इसको गाड़ी में। एक बार हुआ क्या है? इसने शाबू पर चाकू से हमला किया। शाबू पर? और हम, अरे क्या हो गया है शाबू पे, मतलब क्यों? अरे आप शाबू को तो अच्छी तरह जानता है ना, और हम सबका भी आपको पता है, बल्कि आप तो पूरे इलाके को ही जानता है। हम तो पूरे इलाके को जानता हूँ, पर अभी हमको क्या पता कि रात को किसने क्या किया। अभी हमारे थाने में कंप्लेन आएगा तो उसको तो हम देखेंगे ना। चलो अभी। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत खबर मिला है, ये फैसल हमारा अच्छा बच्चा, ऐसा नहीं करेगा। थाने में जाके सब पता चलेगा, ले चलो इसको। अरे पर रुको तो सही, हमारा दोस्त है। अरे ऐसे ऐसे कैसे लेके जा रहे हो? अरे दादा को बता दे। अरे हमको इसी बात का डर था, तुम तो बोल रहा था कुछ भी नहीं होगा, क्या हुआ ये देखो। पुलिस इंसाफ के लिए है, कोई जोर जबरदस्ती के लिए तो नहीं है। हाँ पर अभी तो ले गया ना उसको, अब क्या करे, ऐसा मौके पे किसी ने प्लान बना लिया है। मैं इसीलिए हमारा बायां हाथ सुबह से पड़क रहा था। अरे तुम चुप करो, चलो दादा से मशवरा करके आते हैं हम लोग। हमने जब उस दिन इससे बात किया था ना, हमको अंदाजा हो गया था कि ये फैसल के बारे में अच्छा नहीं सोचता है। अरे चाचा अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इस तरह तो वो कभी हमको कभी किसी और को फंसाता रहेगा। हाँ करेगा करेगा, पहले फैसल को तो छुड़ाएंगा ना। अरे हमने कोशिश की पुलिस वालों से बात करने का, लेकिन वो बोलते हैं ताने आओ। हमने सोचा हम तुमसे पहले बात कर ले फिर देखे। हाँ तो पुलिस वाला अपना काम तो करेगा ना, कार्रवाई तो पूरा करेगा ना वो। आओ ताने चलता है, आज हाँ चलो चलो आ जाओ। हमारा बच्चा छूट तो जाएगा ना, कहीं पुलिस वाला बड़ा केस बना के उसको बंद ना कर दे। जब उसने कोई जुर्म किया नहीं है तो क्या केस बनाएगा वो। हम ताने जा रहे हैं, आओ बच्चा। उसको अपना साथ ही लेकर आना। हम लोग का बेटा भी है, तुम्हारा ही नहीं है। साथ लेकर आना। अल्लाह हमारा बच्चा छूट जाए, उसको कोई बंद ना करे, हम शुक्राने के नफिल पड़ेगा मालिक। हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं हो, हमारा बच्चा सही सलामत आ जाए। हमारा बच्चा अल्लाह मियां। लालू लालू हमारा बात गौर से सुनो, हो सकता है पुलिस लोग तुमसे कुछ पूछे, उन्हें देखा था ना उस रात? हाँ नहीं नहीं हमने कुछ नहीं देखा। हम तुमको यही बात समझाने आया हूं कि तुझको कुछ भी नहीं पता है, तुझको सिर्फ ये पता है कि फैसल ने शाबू का उंगली काटा है, और फैसल कौन है? बदमाश। बदमाश है? हाँ, अरे मुक्काबाजी करता है ना, उसका मैच भी था उस दिन, पता है ना तुझको? हाँ। अरे मुक्काबाजी शरीफ लोग नहीं करते हैं, समझ गया ना? हाँ समझ गया, हमको पता है। पता है।
शाबाश, चल अब चाय ला। आ शाबू। अरे दादा, काम तुम्हारा पक्का सेट हो गया है। कल मेडिकल रिपोर्ट आएगा, दोस्त तुम्हारा पक्का जेल जाएगा। अरे शाबू, तू हमारा जिगरी यार है। अरे तूने हमारे लिए अपना उंगली काटा है, हम तेरे लिए अपना जान भी कुर्बान करेंगे। अरे दादा, इस उंगली का क्या है? डॉक्टर ने टांका लगा दिया है। अरे इसका क्या है? ये तो फिर लग जाएगा। अरे किसी भी तरह उसको बाहर नहीं आने देना शाबू, अगला प्लान सोच। अब किसी तरह इस शाहिद को पछवाना है ताकि डॉक्टर नहीं आए हमारा कदमों में। अरे दादा, ये कौन सा मुश्किल काम है? अरे वो समुंदर पे काम करता है, उसकी लाश में कुछ रखवा देगा, लंबा ही अंदर जाएगा। लेकिन दादा एक बात है, अरे तुमने क्या पूरी लियारी को अंदर करवाना है क्या? अरे जब तक डॉक्टर नहीं अपना नहीं हो जाता ना, पूरा लियारी चाहे अंदर जाए चाहे ऊपर, हमको कोई परवाह नहीं है। अरे दादा भेज देगा, इसमें क्या है? ये वाला बात। अरे दादा, किरदार पर बात तो आ गई ना, इज्जत तो खराब हो गया है ना फैसल का। हर कोई यही समझेगा कि फैसल ताने चला गया है, गुंडा बन गया, बदमाश बन गया है। अरे तुम लोग को किसने कहा लोग इज्जत देते हैं, या ये लोगों का हाथ में? अरे वो ये ऊपर वाला का हाथ में। अरे अब उसका तबीयत हम खुद दुरुस्त करेगा। अरे फिर तो हमको तुम्हारे लिए भी एक वकील करना पड़ेगा। फैसल ने कुछ नहीं किया था तो उसका लड़का ने अपनी उंगली काट लिया, तुम कुछ कर देगा तो वो तो अपना हाथ या बाजू काट के बैठ जाएगा। अपने भाई को समझाए, उस बंदे को रोके, केस वापस ले ले। हम सुबह वकील से बात करेंगे। ताने वाला हमारा बात नहीं सुनता है, वो बोलता है उसका उंगली कटा है, नादिर ये बात नहीं मानेगा। अरे सारा दिमाग खराब किया है हमका, अभी देखो क्या बोलता है ये लोग। क्या जरूर उन लोगों ने पुलिस वालों को पैसा खिलाया है। अरे वो अपना काम कर रहा है, तुम क्यों जज्बाती होता है? हम वकील से सुबह बात करेंगे। अरे ये सही बात है, उसका उंगली कटा है, अब किसने काटा है ये फैसला करना पुलिस का काम नहीं है। हाँ लेकिन अब हम क्या करें? सुबह का इंतजार। चाचे नादर का बच्चा ने ना ठीक नहीं किया बिल्कुल हमारे साथ। अरे बुरा करने वालों का अंजाम भी कभी कभी अच्छा नहीं होता है। अरे दादा, किरदार पर बात तो आ गई ना, इज्जत तो खराब हो गया है ना फैसल का। हर कोई यही समझेगा कि फैसल ताने चला गया है, गुंडा बन गया, बदमाश बन गया है। अरे तुम लोग को किसने कहा लोग इज्जत देते हैं, या ये लोगों का हाथ में? अरे वो ये ऊपर वाला का हाथ में, और जिसको अल्लाह इज्जत देता है इलाके वाले उसे छीन नहीं सकता है। और हमारा असल लड़ाई इस इलाके के फला के लिए, उसको रुकावट समझो। दादा ये इलाके के भलाई के लिए नहीं हो रहा है, नादिर पर्सनल खुन्नस निकाल रहा है फैसल से। अरे किस बात का जाती दुश्मनी? यही कि हम लोग इलाके की फला के लिए काम करते हैं और वो दुश्मनी करता है, बदमाशी करता है। अब फैसल भी अगर उसकी तरह होता ना तो फिर लड़ाई किस बात का होता? और असल बात तो यही है कि फैसल उसकी तरह नहीं है। हाँ आप ठीक कह रहे हो, देखो इंशाल्लाह सब हमारा हक में होगा, परेशान ना हो। तुम लोग अभी घर जाओ, आराम करो, हम सुबह वकील से बात करेंगे। अरे दादा आप बोलो तो हम चाबू से बात करें। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग अपना घर जाओ, चलो जाओ जाओ जाओ, हम सुबह देखेंगे। दादा आप भी घर जाओ, अभी क्या क्या? नहीं हम सुबह देखेंगे, तुम जाओ घर, ठीक है? जाओ तुम घर जाओ, घर जाओ।
क्या क्या किस किस चीज को देखेगा। हमें उसी वक्त कुछ करना चाहिए था जब उसने पहली बार मुंहमानी की थी हमसे। अरे तो हम उसकी तरह अपना हाथ काट का इल्जाम थोड़ी डाल सकते हैं। अब अगर उसने मेडिकल करवा लिया तो फैसल के खिलाफ तो FIR कट जाएगी। हाँ तो कट जाए, वो तो झूठा होगा। हम अदालत में जाएगा, खुद को सच साबित करेगा, बता देगा कि वो झूठा है। बस अदालत में खुद को सच साबित करता रहे। कभी मुश्किल आसान हो जाता है, कभी आसानी मुश्किल हो जाता है, पर हम तो सब करेगा। अरे अब उसका तबीयत हम खुद दुरुस्त करेगा। अरे फिर तो हमको तुम्हारे लिए भी एक वकील करना पड़ेगा। फैसल ने कुछ नहीं किया था तो उसका लड़का ने अपनी उंगली काट लिया, तुम कुछ कर देगा तो वो तो अपना हाथ या बाजू काट के बैठ जाएगा। अरे अगर उस गली के गुंडे के पास दिमाग है तो हम क्या तुझे पैदल लगते हैं? अरे चढ़िया तुमको दिमाग लड़ाना है ना तो इस पर लड़ाओ कि सुबह मेडिकल कैसे रुकवाएं फैसल का। इस बारे में तो सोचना पड़ेगा। अरे फैसल का अम्मा बड़ा परेशान होगा, तो समझ नहीं आ रहा। तो कल का इंतजार करते हैं, क्या होता देखो। सोचो तुम भी कुछ। तुम जाग रहे हो अभी तक? तो अभी तो जाग रहे हैं। हम फैसल के लिए बहुत परेशान हैं। हम माँ हैं, सोचो हम कैसे सो सकता है। हम समझता, उस लड़की से बात करो, अपने भाई को समझाए, उस बंदे को रोके, केस वापस ले ले। हम सुबह वकील से बात करेंगे। ताने वाला हमारा बात नहीं सुनता है, वो बोलता है उसका उंगली कटा है, नादिर ये बात नहीं मानेगा। उसका बहन इतना पड़ा हुआ है, बोलता पूरा लियारी में तालीम फैलाएगा, अपने भाई को नहीं समझा सकता है कि दूसरों का बच्चे पे इल्जाम लगा के केस बना के बंद करता है। तो उसको समझाओ, अपने बदमाश बेटे को समझाए। हमारा बेटा फुजूल में उसको फसाया। काला हमको पता है कि उसने फसाया है, हम आपके साथ है ना। तुम्हारा साथ होने से हमारे को क्या फायदा होगा? उसका भाई इसी हॉस्पिटल में जॉब करता है, उसने हमको कहा कि वो वही लिखेगा जो सच होगा, उसके अलावा कुछ नहीं लिखेगा। अरे हम भी तो यही चाह रहा है कि वो सच लिखे। अगर वो डॉक्टर है तो उसको तो देख के समझ आ जाएगा कि उंगली उसने खुद ने काटा है या किसी और ने काटा है। अरे अभी तुम नादिर भाई को नहीं जानता है। असल बात तो ये है कि तुम्हारा भाई का दोस्त जेल में है और कल दूसरा चला जाएगा। अगर तुमने हमारे साथ ऐसा किया ना तो तीसरा नंबर तुम्हारा भाई का होएगा। तुमने उस रात नहीं बताया कि तुम्हारा गली में इनके साथ हाथापाई हुआ था? अरे इतना नहीं हुआ था दादा, ऐसे हल्का फुल्का हुआ था। हमने सोचा तुमको क्या परेशान करे, और हमको क्या पता था उसने वो चुरी वाला केस बनाने के लिए सब कुछ किया था। ये नादिर को कंट्रोल करो ना, ऐसा करो कंट्रोल हो। हाँ? अभी कैसे कंट्रोल करे, समझाता है भाई नहीं समझता। इसका कोपड़ी में कागज भरा हुआ है, क्या करे जवान औलाद है। हाँ अल्लाह ठीक करेगा इंशाल्लाह। हम आया था चाचा के पास कि हमको ताने ले चलो। आपको क्यों? हम गवाही देता ना कि आप बेगुनाह है।
लेकिन आप कैसे देते? आप तो वहाँ था ही नहीं जिस वक्त हमारा लड़ाई हुआ। हाँ लेकिन हम उस वक्त तो मौजूद था ना जब नादिर भाई अपने दोस्त से बात कर रहा था कि ये सब उसने किया है। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, हम की मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं। मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, लियारी से किवाड़ी, लियारी से किवाड़ी। खतरे को नाप लिया, रास्ता हमने नाप लिया, मंजिल हमने है ताड़ी, लियारी से किवाड़ी।